दर्शकों, हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसी क्षण सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई जानकारी जैसे ही हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस जानकारी से अवगत हो जाए। आइए दर्शकों, आज किसी भक्त ने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि अगर लड़कों की शादी में रुकावट हो, बाधा हो, अड़चन हो तो क्या करें। दर्शकों, इसी के निमित्त आज मेरा ये वीडियो है कि लड़कों की शादी में रुकावट हो तो हम क्या करें। सर्वप्रथम लड़के के माँ बाप को अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखने की जरूरत होती है, और जब भी लड़के के माँ बाप ऐसी व्यवस्था बनाएं, यह पहला उपाय है, लड़के के माँ बाप ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लड़का देखने वाले जब आते हैं तो उनका मुख, जब उनको बिठाएं तो उनका मुख घर के दरवाजे की तरफ हो, न कि बाहर के दरवाजे की तरफ हो। यह बहुत काम करता है, और घर के दरवाजे की तरफ मुख करके बैठाएंगे तो ज्यादा चांस रहता है कि आपकी शादी तय हो जाए। दूसरा उपाय, हर बृहस्पतिवार और हर शुक्रवार को, और आपको मैं बता दूं कि ये नवरात्रा आ रहा है, नवरात्रा से प्रारंभ करें अपने इन उपायों को, आप देखेंगे कि धन्य धन्य हो जाएंगे। आपने बड़ा सही समय पर प्रश्न पूछा है, सामने नवरात्रा आ रहा है और नवरात्रा से पहले आपने प्रश्न पूछा, यह आपके लिए भी उचित है और समस्त लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए यह प्रश्न है। तो नवरात्रा के प्रथम बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करें और नवरात्रा के प्रथम शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। ये दोनों वस्त्र नए बनवा लें और बृहस्पतिवार को पीला धारण करें, शुक्रवार को नया धारण करें। उसके बाद लगातार कम से कम 7 बृहस्पति और 7 शुक्रवार धुले हुए पीले और सफेद कपड़े धारण करने की आदत डाल लें। वैसे तो ये कोई अलग से खर्चा होने वाला नहीं, आप हर बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करें और हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें, आजीवन के लिए नियम बना लें, आपका जीवन धन्य धन्य रहेगा हमेशा। लेकिन जो विवाह के इच्छुक हैं वो विवाह तक इस नियम का पालन करें, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद भी इसका अलग इफेक्ट है, शादी से पहले इसका अलग इफेक्ट है। अब आपको बता दें, सबसे प्रभावशाली नवरात्र का एक उपाय, जिस पर कृपा शिव जी की हो, जिस पर कृपा जगदम्बा की हो जाए, उसकी झोली तो सदैव बड़ी ही रहती है। इसलिए इस नवरात्र के लिए आपको क्या करना है, जो आपको एक सुंदर सुशील इच्छित पत्नी मिल जाए, जैसा आप चाह रहे हैं वैसी मनचाही पत्नी मिल जाए, इसके लिए आप नवरात्रा के प्रथमा से ही आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर दें। नवरात्रे में 9 दिन अलग अलग भोग लगता है माँ दुर्गा को, भोग के लिए मैं अलग बताऊंगा, लेकिन उन भोगों को पहले से प्रिपेयर करके रखें। एक रुद्राक्ष का माला आप पहले से खरीद कर बाजार से लाकर रखें। माँ दुर्गा की तस्वीर हो तो ठीक है, नहीं हो तो उसकी भी व्यवस्था आप कर लें।
और माँ दुर्गा के समक्ष बैठकर आप सबसे पहले एक जोड़ा दीपक जलाएं, एक जोड़ा दीपक एक अवश्य जलाएं। एक दीपक कभी भी किसी भी मंदिर में नहीं जलानी चाहिए, आप अपने घर के मंदिर में दो दीपक जलाना प्रारंभ कर दें, आपके जीवन की आधी बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। अब आप एक जोड़ा दीपक जलाने के बाद गुलाब की खुशबू, चंदन की खुशबू वाले खूब खुशबूदार धूप बत्ते लगाएं, खूब खुशबूदार, जो मतलब पूरे रूम को, पूरे वातावरण को खुशबू से भर दे, ओतप्रोत कर दे, ऐसा खुशबूदार धूप बत्ती लगाएं। उसके बाद मां दुर्गा का उस दिन का भोग आप अर्पित करें। जो नित्यदिन आप भोग लगाते हैं वो तो रहेगा, साथ में मां दुर्गा का जो एक स्पेशल उस तिथि का भोग होता है वह भोग मां को लगाएं। और आप वही गुलाबी रंग के आसन पे विराजमान होकर आप किसी रंग के वस्त्र को पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग का वस्त्र कदापि नहीं पहनना। अगर आपका भी वस्त्र लाल या गुलाबी हो तो ज्यादा प्रभावी है। मां दुर्गा के पूजा में सफेद धोती, सफेद वस्त्र और पुरुषों के लिए और लाल रंग स्त्रियों के लिए होता है। और यह उपाय विवाहेच्छु लड़के को करना है, उसके मां बाप नहीं कर सकते। दर्शकों, आपको अब करना क्या है वो बताऊं। रुद्राक्ष की माला का पहले प्राण प्रतिष्ठा करें, उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद रुद्राक्ष की माला से आपको कम से कम 5 माला हमारे बताए इस मंत्र का जाप करना है। नवरात्रों में आप कोशिश करें कि 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितना आपसे संभव हो उतना ज्यादा से ज्यादा नवरात्रों में जाप करें। नवरात्रों के बाद कम से कम 5 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है, और आप देखेंगे कि एक वर्ष के अंदर आपको सुंदर सुशील मनोरम पत्नी प्राप्त होगी। दर्शकों, मंत्र आप ध्यान से सुने, वैसे मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, लेकिन आप मंत्र का उच्चारण ध्यान से सुने। चाहे इस वीडियो को 21 बार देखना पड़े, 41 बार देखना पड़े, मंत्र के उच्चारण का ही महत्व। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण आप ठीक से समझें। ओम पत्लिम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्लिम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। इस मंत्र का आप पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा के साथ जाप करें, और उसके बाद एक बार कुंजिका स्तोत्र, एक बार क्षमा प्रार्थना आप इसको पढ़कर आप माता को साष्टांग नमस्कार करते हुए माता से एक सुंदर सुशील मनोरम पत्नी प्रदान करने के लिए आप निवेदन करें। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी, अति शीघ्र, जितना शीघ्रता आपको चाहिए उससे भी ज्यादा शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कभी भी कर्म का प्रभाव निष्फल नहीं जाता, आप कर्म करने की आदत डाल लें, फल की चिंता छोड़ दें। आप मां दुर्गा की शरण में जाएं, नवरात्रा से यह प्रयोग प्रारंभ करके आप देखें कि आपके लड़के की, आप अगर लड़का हैं और आपकी शादी रुकी हुई है, अति शीघ्र शादी संपन्न हो जाएगी।
दर्शकों फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। जय श्री दुर्गे माँ, जय जय श्री माँ।